नमस्कार दोस्तों, आस्था निजी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक तो मिलते रहें। वैसे पे आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं पावर प्लांट, जो कि पानी किस प्रकार से खेतों में जाता है। और गंगा में एक प्लांट लगाया गया है, बहुत बड़ा ही प्लांट है, जो कि आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से पानी यहाँ से खेतों के लिए रवाना होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस मशीन की तरफ जो कि यहाँ जगह सेटअप किया गया है। ये रास्ता है वो जो हमको मशीन तक ले जाएगा, जो कि गंगा में सेटअप किया गया है। ये रास्ता डायरेक्ट हमको मशीन तक ले जाएगा आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यही वो पाइप है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तीन पाइप हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सीधा ऊपर जाके वहाँ एक टाकी बनाई गई है, मशीन से पानी उठा के डायरेक्ट टाकी में जाता है, वहाँ से खेतों के लिए सप्लाई होती है। ये पाइप देख रहे हैं कितना बहुत ही बड़ा है, काफ़ी लंबा भी है। ये पाइप यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाता है जहाँ मशीन है। हम आपको वहाँ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको मशीन देख के लगे कि यहाँ के सिंचाई विभाग किस प्रकार से सिंचाई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पाइप है, सामने आपको मशीन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं लाइट है, जो कि लाइट वहाँ तक ले जाया गया है और वहाँ से ही मशीन को स्टार्ट किया जाता है। आइए हमको ले चलते हैं मशीन के पास। जैसा कि देख रहे हैं आप, सीढ़ी भी बनाई गई है काफ़ी अच्छी घाट पर आने के लिए। इसको निकाल दिया गया है, यही सप्लाई पाइप है जो कि यहाँ से पानी ऊपर डैम तक ले जाता है, वहाँ से खेतों तक जाती है। दो पाइप है जो कि लगा हुआ है। मशीन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो कि हम आपको पास से दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाइप ब्लॉक किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोटर है, कितनी बड़ी मोटर है आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ पे तीन मोटर है जो कि पूरी तरह से, एक पहला वाला बंद किया गया है और आप इस साइड भी देख रहे होंगे दो मोटर है जो कि चालू है, अभी इसमें बंद है। यहाँ से पानी गंगा जी से पानी डायरेक्ट टंकी तक जाता है, वहाँ से खेतों के लिए भेजा जाता है। जो किस प्रकार से सिंचाई विभाग यहाँ गंभीर रूप से इसको लेने की कोशिश किया, यहाँ पर काफ़ी पुरानी मशीन है। यहाँ हमें बताया गया 30-35 साल पुरानी मशीन है जो खेतों को भारी पानी सप्लाई करता है। आपको थोड़ा सा आप सामने देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे लगाया गया है हिस्ट बोर्ड, बोर्ड में किस प्रकार से लाइट कनेक्शन दिया गया है। और ये पानी में है, यहाँ जी हाँ, एकदम बिल्कुल पानी में है। तो गंगा की गहराई बढ़ती है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, इस प्रकार इन मशीन को सेटअप किया गया है। पानी बढ़ते ही गंगा जब भी बढ़ती है तो ये पानी के ऊपर आ जाता है मशीन, और काफ़ी अच्छे से पानी यहाँ से टर्नओवर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टंकी में वाल लगाया गया है, ये हैंडल है, हैंडल से ही पानी को बंद और चालू किया जाता है। यहाँ मशीन चालू, वहाँ बटन चालू करने के बाद मशीन चालू होता है, तो इसको हम जब राउंड करेंगे तो पानी ऑन हो जाएगा, अभी इसमें ब्लॉक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीन काफ़ी गहराई में आगे सेट किया गया है, जो कि शायद हमारे हिसाब से 150 या 200 फीट नीचे है। अभी आपको हम सामने दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गहराई है आप माप सकते हैं। जो कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको कितनी ऊंचाई पे वो जमीन है, वहाँ से इतना अंदर तक मशीन यहाँ प्लांट किया गया है। जो कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मशीन गंगा के बीचों बीच किस प्रकार से एडजस्ट किया गया है, सेटअप किया गया है। देखिए दोनों साइड गंगा ही गंगा है, सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेती है, उस साइड उसके बाद भी गंगा है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।